दोस्तों गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में तो बिल्कुल ठंडी ठंडी चीज़ें खाने की इच्छा होती है। तो फिर बाहर मार्केट क्यों जाना, घर में ही क्यों नहीं बनाते हैं हम बिल्कुल हेल्दी तरीके से और बिल्कुल घर में ही उपलब्ध सामानों से ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी यानी कि नारियल की आइसक्रीम जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसके लिए हमने एक नारियल लिया है और इसको जो ये काला वाला हिस्सा है इसको हम निकाल लेंगे छिलनी की सहायता से। और दोस्तों बचपन में तो आपने बहुत ही ये आइसक्रीम खाई होगी, हमने तो बहुत खाई है जब बर्फ़ वाला आता था जिसमें आधा हिस्सा जो है नारियल लग रहा था और आधा हिस्सा बर्फ़ होता था। खाया है ना आपने, तो अगर कोई खाया है तो बताइएगा ज़रूर। और देखिए हमने सारा जो नारियल पर से है वो काला वाला हिस्सा निकाल लिया है और अब इसको हम छोटा छोटा सा कट कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और फिर ये देखिए हमने सारा कट कर लिया है नारियल को, अब इसको हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे। ये देखिए सारा नारियल हम इसमें पलट लेंगे। और इसके बाद दोस्तों हमने लिया है नारियल का ही दूध, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है मॉल वगैरह में, तो ये करीब 200 ml है। इसमें से आधा हिस्सा हम डालेंगे इसको पीसने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पानी भी डाल सकते हैं या फिर उसके बाद बदले नारियल वाला पानी भी डाल सकते हैं तो निकलता है। और देखिए ये हमने बिल्कुल इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है पीस करके। और इसके बाद हम दूध लेंगे, करीब 1.25 गिलास है ये, तो उसके बाद हम इसको पैन में एक डाल देंगे। अभी गैस का फ्लेम हमने लो रखा है और जो उसमें से थोड़ा सा दूध हम ले लेंगे 1 कप में, और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसको पहले आसानी से हम आराम से मिला लेंगे, अच्छा सा इसको घोल देंगे। और इसके बाद जो बचा हुआ दूध है जो हमने पैन में दूध डाला है उसमें हम डाल देंगे। और फिर इसके बाद हम इसको चलाते हुए गर्म होने देंगे, उबाल आने देंगे। उसके पहले हम थोड़ा चीनी मिला लेते हैं, हमने 4 चम्मच चीनी डाली है और इसको हम मिला लेते हैं। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम घटा बढ़ा सकते हैं। और जब इसमें दूध में उबाल आ जाए तो हम इसको घोल के, जो हमने कॉर्नफ्लावर वाला घोल बनाया है उसको हम गैस का फ्लेम लो करके धीरे धीरे करके हम मिला देंगे जिससे कि गांठें ना आए। इसे मिलाते हुए डालते जाएंगे, थोड़ा सा डालिए मिलाइए, फिर थोड़ा सा डालिए मिलाइए, जिससे कि गांठें ना पड़े। इस तरीके से इसको डालना होगा इसमें और लगातार चलाना होगा। ये देखिए बिल्कुल लगातार चलाते रहिए। देखिए जब दोस्तों जब ये उजला कलर आता है ना तो पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो जाता है, बार बार धुंधला होने लगता है, तो इसके लिए सॉरी, कई जगह ऐसा हो गया धुंधला। और बिल्कुल इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी जो है बननी चाहिए। और ये हमने नीचे उतार लिया है, अब देखिए बिल्कुल इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं 10 मिनट तक और इसके बाद हम इसको एक बाउल में पलट लेंगे। और उसके बाद जो हमने नारियल का पेस्ट बना के रखा था उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। पूरा नारियल का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम इसको एक बटर पेपर से, जो भी आपको इसको ढकने के लिए सहूलियत हो उससे ढक करके आप इसको करीब 3 से 4 घंटे तक चिल्ड होने के लिए रख दीजिए फ्रीजर में। ये देखिए ऊपर से हम प्लेट रख सॉरी हाँ एक प्लेट रख देते हैं ये छोटा सा। और उसके बाद हम इसको 3 से 4 घंटे करीब हमने रखा और 4 घंटे में फ्रीजर में हमने रखा था। तो ये देखिए 4 घंटे में ये बिल्कुल इस तरीके से चिल्ड हो गया है, बिल्कुल आइस जब बन गया है ये देखिए। तो अब हम जो है थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं और इसके बाद हम इसको मिक्सी जार में पलट लेंगे वापस। सारा जो है बैटर जो है हम इसको बढ़िया से इसमें हम कटोरे में से निकाल के इसमें डाल देंगे। और फिर ये हमने थोड़ी सी मलाई ली है, ताज़ी मलाई है ये, तो इसको हम ये करीब 1.5 लीटर दूध में बना हुआ था इतना मलाई गाय वाला दूध में, तो ये हमने निकाल के रख लिया था सुबह ही, इसको हम डाल देंगे। और ये थोड़े से जो है हमने वनीला एसेंस इसमें डाल देना है, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिए हैं और इसके बाद थोड़े से गुलाब जामुन, इससे इसका फ्लेवर और स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और 2 चम्मच चीनी भी डाल देते क्योंकि चीनी हम थोड़ा सा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा और मिठास बढ़ाने के लिए हमने 2 चम्मच चीनी डाल लिया है। और इसको फाइन एकदम हम ग्राइंड कर लेंगे और देखिए ये बिल्कुल ग्राइंड करने के बाद इस तरीके से तैयार हो गया है। तो अब हम आइसक्रीम के लिए इसको एक बर्तन में हम इसको पलट देंगे और इसके बाद हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा येलो कलर
स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद लाइट ग्रीन कलर हमने लिया है उसको भी स्प्रिंकल कर देंगे हल्का सा। और इसके बाद हम रेड कलर लिए हैं इसको भी थोड़ा सा हम कुछ बूंदे स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर उसके बाद हमने डार्क ग्रीन लिया है इसको भी हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर किस थोड़ा सा जो है हमने टूटी फ्रूटी ली है उसको भी डाल देंगे। इसको जब आइसक्रीम खाइएगा तो जब ये मुंह में आएगा तो उसका स्वाद जो है बहुत ही लाजवाब लगेगा। और अब जो है कोई एक स्टिक लीजिए या स्पून लीजिए, आप इसको किसी भी तरीके से ऐसे घुमा दीजिए तो इसकी डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। कोई ज़्यादा कलाकारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही ईजिली बन जाती है। और इसके बाद जो है हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे जिससे कि इसमें एयर ना जाए, इसमें जो है क्रिस्टल ना बने, इसलिए ऊपर से कवर कर देते हैं। और उसके बाद से इसके ऊपर हम ढक्कन इसका लगा के इसको करीब 8 घंटे या पूरी रात के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे। और जो बचा हुआ बैटर है उसको हम एक कुल्फी मोड में डाल देते हैं, ये सारा देखिए। और इसके बाद ऊपर से हम इसका ढक्कन लगा देंगे, ये इसमें बना हुआ है। अगर नहीं है तो ऊपर से आप प्लास्टिक वगैरह लगा के उस पर से स्टिक लगा सकते हैं। और अब इसको भी हम फ्रीज़र में रख देते हैं, जितना घंटा आइसक्रीम रहेगा उतने ही टाइम तक वो भी। और देखिए ये हमने 8 घंटे के बाद, ये हमने सुबह निकाला है तो ये करीब 8 से 10 घंटा रह गया था, तो हमने आधा घंटा इसको थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया था। और जिसका परिणाम हुआ ये कुछ ज़्यादा ही आधा घंटा में सॉफ्ट हो गया। इसलिए आप जब बाहर निकालिए तो खाने से कम 15 मिनट बाहर इसको रखिए, उसके बाद निकालिए। देखिए ये नीचे जो है ना कुछ ज़्यादा थोड़ा मेल्ट हो गया है, ये देख लीजिए, क्योंकि आधा घंटा हमने रख दिया था। बट ये आइसक्रीम बहुत ही लाजवाब बनी है, ये सभी को बहुत ही पसंद आई थी और सब ने तारीफ़ें की थी। तो अगर आप इस तरीके से ये आइसक्रीम बनाइएगा नारियल का तो वाकई बहुत लाजवाब बनेगा और ये घर में बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। और अब ये कुल्फ़ी हम देख लेते हैं। तो ये अभी इसको जो है पानी में हम रख लेंगे, नॉर्मल पानी में थोड़ा सा इसको डालेंगे, या फिर आप इसको ले जाके नल के नीचे भी चला सकते हैं। बट हमको दिखाना था तो अकेले ही शूट करना पड़ता है तो इसलिए हम इस तरह से दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इसको पानी इस पे से भिंगा दीजिए और देखिए अभी भी नहीं खुल रहा है, थोड़ा सा हाथों से ऐसे रैप कर दीजिए इस तरीके से, तो ये बहुत ही इजीली जो है निकल जाता है। और ये देखिए हमने प्लेट में कुछ आइस ले ली है और ये देखिए बहुत ही आराम से निकाल लिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया ये आइस जो कुल्फी है बन के तैयार हुई है। तो ऊपर से हम थोड़ा सा और डेकोरेशन कर देते हैं, ये हमने रुआबजा डाला है ऊपर से और ये बहुत ही टेस्टी लगी थी ये जो कुल्फी ना, बहुत ही लाजवाब लगती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि जब हम नए नए रेसिपी लाएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपने हमारा वीडियो इतना ध्यान से देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।